रूप जी, सोयाबीन की बात की जाए तो ऐसी खबरें हैं कि तिलहनों की फसल की बुगाई इस बार ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जैसे सरसों हो गया, मूंगफली हो गई, अब तेल तिलहनों के जो दाम है वो ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तिलहनों के दाम मंडियों के अंदर और तेलों के दाम बाजारों में, तो ऐसे में अगर सोयाबीन की बुआई यहाँ पे आगे ज्यादा बढ़ती है तो क्या सोयाबीन के दाम यहाँ पे कुछ घट सकते हैं, या फिर हाई डिमांड रहने की वजह से जो सोयाबीन के प्राइसेस हैं वो लगातार तेजी की ओर ही बनी रहेंगे? देखिए, अभी तो सोइंग की बात हो रही है कि इस बार सोइंग बढ़ सकती है, एक्चुअल में प्रोडक्शन कितना निकल कर आएगा, वेदर कैसा रहेगा, ये सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। और इंटरनेशनल मार्केट में किस तरीके का प्रोडक्शन होगा इसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अभी ये कहना मुश्किल होगा कि आगे चलकर प्राइसेस कैसे स्टेबल कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन जो अभी का सिनेरियो देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से इन्फ्लेशन है, और दूसरा आप ये देखिए कि जिस तरीके से क्रूड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि अभी कोई प्राइसेस के अंदर बहुत ज्यादा डाउन साइड आता हुआ दिखाई देगा, या प्राइसेस पहले वाले लेवल के ऊपर सस्टेन करते दिखाई देंगे जो एक से दो साल पहले हम देखा करते थे, मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा करेक्शन आते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अभी ओवरऑल चारों तरफ से अगर हम देखें तो प्राइसेस के अंदर तेजी का ही रुझान बनता हुआ फिलहाल दिखाई देगा। जी,